कास पठार द वैली ऑफ फ्लावर्स। बहुत सुना था इस जगह के बारे में कि जो नेचर्स लवर है उनके लिए ये जन्नत है, तो मैंने सोचा अच्छा ऐसा है तो चलो यार हम भी देख ले ये जन्नत। तो मैं निकल गया कुछ अनजान दोस्तों के साथ सातारा। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस आज का व्लॉग होगा हिंदी में, यही है मतलब कास पठार ये एंट्री गेट है। आज जो वीकेंड है इसलिए आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा गर्दी है। तो चलो टिकट निकलते हैं और अंदर जाके देखते हैं जाके क्या है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये कास पठार का गेट है, आज वीकेंड है इसलिए बहुत ही ज़्यादा गर्दी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कास पठार का मैप है। मैप के हेल्प से हमें कास पठार का एक शॉर्ट इंट्रो भी मिल जाता है और इसके रूट के बारे में एक आइडिया भी आ जाती है। पर पर्सन यहाँ पे गाइस 100 रुपीज चार्जेस है। तो बहुत धूप है आज, जो हमने एंट्री कर ली है गाइस। तो फ्लावर्स तो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं आप देख सकते हो। तो अनफॉर्चुनेटली गाइस यहाँ पे एक जो गाइड होता है उसकी डेथ हो चुकी है, तो सब गाइड लोग उसके फ्यूनरल पे गए। तो अनफॉर्चुनेटली हमको बताने वाला कोई नहीं है तो हमें खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो देखते हैं जितना भी ट्राई होता है जितने भी फूल मेरे को समझ में आते हैं आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। तो ये वाइट फूल है जो ऐसा आकाश चांदनी है इस फूल का नाम, आप देख सकते हो। तो गाइस और एक फूल है वो मिकी माउस फूल, कहाँ पे वो देखो येलो वाला, ए आराम से ये तो उधर भी है गाइस। ये फूल है मिकी माउस फूल जो येलो कलर का है, अगर आपको ठीक से दिख रहा होगा उधर एक और है चाहिए हो तो गाइस इसको बोलते हैं मिकी माउस फूल। तो क्यों बोलते हैं तो ये तो पता नहीं, पर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फूल जो है ना जो पर्पल कलर में दिखाई दे रहे पर्पल फूल वगैरह वगैरह, पर पर्पल फूल में भी अलग अलग फूल होते हैं, मतलब कि इसके तीन ही पनकुड़ी इसके दो पनकुड़ी, पर वो भी अलग फूल है, सेम फूल नहीं है, मतलब कलर सेम है पर उसकी प्रजाति अलग है। तो ये साइड तो हो गया कवर, तो आगे चलते। तो गाइस सॉरी यार मेरी हिंदी पे सब हंस रहे हैं यहाँ पे, पर ठीक है चलता है। गाइस फाइनली यहाँ का सबका फोटोशूट हो चुका है, तो हम निकले आगे के स्पॉट पे। यहाँ पे एटलीस्ट हमने आधे घंटा वेस्ट कर दिया, अभी भी फोटोशूट चालू है कई लोग का, अभी भी ख़त्म ही नहीं हो रहा है उनका। तो निकले हम अगले फूल की तरफ। तो गाइस नज़ारा कुछ बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो गाइस ये है छोटा सनफ्लावर सूर्य फूल। पर हमारी टीम बार बार रुक रही है, आप देख सकते हो वहाँ पे टीम हर एक 10-10 मिनट पे हर एक पॉइंट पे रुक रही है। मैं तो पूरा पक गया अभी रुक रुक के, देख सकते हो आप। स्पॉट तो अच्छा है यार पर पूरा एक्सप्लोर करना चाहिए पहले। आज का मौसम तो बहुत क्लास है। चलो ब्रो चलो जल्दी इधर फोटो लेना है। किसको लेना है? नहीं ना तो चलो नहीं नहीं रुकेंगे। अरे वो चले गए फोटो लेने फिर से। अरे गाइस स्पॉट दिखा वो चले गए। चलो यार चलो पहले फूल देखेंगे। तो गाइस ये चवर नाम का फूल है, तो आज अभी तक जो अभी तक हमने देखा कास पठार में सबसे बड़ा फूल मेरे को अभी तक दिखा ही है, तो नाम है चवर। अब क्लोज में देख लो प्लीज। क्या बोल रहे थे आप? ऐसे ही अगर आपको बहुत सारे फूल दिखेंगे सब प्यार से, अगर किसी फूल को दिखे हाँ। तो प्यार करना उसे, तोड़ना नहीं, देखना भी नहीं उसे। तो बड़ी बड़ी बात कह दी भाई ने, थैंक यू। ब्लॉगर ब्लॉगर सर हे बघा हे जे ना हे त्याला म्हणतात नाबालिक। नाबालिक हाँ नाबालिक नाही रे नाबालिक सॉरी नाबालिक ठीक आहे। हे सकाळी 7 वाजता ओपन होतं, 12:30 पर्यंत बंद होतं ये वाला गाइस ये वाला। आणि या फ्लावरला फक्त 6 येलो डॉट असतात पर फ्लावर। फिर से एक बार बताइए धीरे से हिंदी में बताइए प्लीज। Okay. इस फ्लावर का नाम है नाबालिक। नाबालिक ये सुबह 7 बजे के आसपास खुलता है, 12:30 तक क्लोज भी हो जाता है। Okay. उसके अलावा ये पर्पल कलर फ्लावर का फ्लावर है, उसमें जो डॉट्स है वो हर फ्लावर का यूनिक 6 डॉट्स ही होता है येलो कलर का। ओके तो अभी ये बंद है?
नहीं अभी खुल गया ना, 7 बजे खुल जाता है ना। अच्छा 7 से 12। हाँ 7 से 12। तो अभी टाइम के अभी बजा है 11:15, इसलिए अभी धीरे धीरे बंद होने वाला है। ओके तो गाइस ये 7 से 12 का है, ऐसे होता है बंद होने के बाद। अच्छा तो गाइस ये देखिए 7 से 12 का टाइम है इसका, 7 बजे चालू होता है और 12 बजे बंद होता है। तो ये अभी चालू है, ये इसका बंद वाला वर्जन है। जो ये इसका बंद वाला वर्जन है और ये इसका चालू वाला वर्जन है। चालू नहीं, खुला वाला है। खुला वाला, चालू वाला। तो गाइस देखिए, कभी देखा होगा ये फूल, फर्स्ट टाइम ही देखा होगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है। तो ठीक है, सो गाइज ये फूल का नाम है नीला कुरुंजी। इस फूल की ये खासियत है कि ये 7 साल में बस एक ही बार आता है। वो है ना अमेजिंग। सो गाइज जैसे कि मैंने बताया पहले कि यहाँ पे अभी कोई गाइड अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फूल है। तो मैं एक काम करता हूँ, हर फूल दिखा, सब फूल ले लेता हूँ व्लॉग में। तो अगर आपको पता होगा तो मेरे को करेक्ट भी करना, अगर मैंने कभी गलती से कुछ अलग फूल बताया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सब मतलब किसी को पूछ पीछे यहाँ पे जो वॉचमैन है उनको पूछ के गूगल पे से देख के कर रहा हूँ। तो इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, अगर कुछ गलत होगा तो बता देना मुझे कमेंट में। और ठीक है, वैसे मैं फुल रिसर्च करके ही डालूँगा, फिर भी अगर मेरा फिर भी गलत हुआ तो बस समझ लेना, कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, मुझे लग रहा है कि हमारा जर्नी एंड हो रही है कास पठार की। तो हमने जो गलती की आप मत करना, हमें ट्रैक गाइड मिला नहीं, गलती नहीं, हमें ट्रैक गाइड मिला नहीं, इसलिए। तो आप जब भी आओगे तो ट्रैक गाइड लेके आओ, क्योंकि फिर इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, फिर ढूंढना पड़ता है ये वो, तो उससे बचो गाइस। तो आप जब भी आओगे तो एक ट्रैक गाइड ज़रूर लेना। ओके तो यही है एग्जिट गेट, तो शायद हमारा एग्जिट आ चुका है। कास पठार देखने के बाद हम चले कास लेक की तरफ। तो गाइज ये व्लॉग कंटिन्यू होगा, हम अभी खास पठार देख के आए, तो आप जा रहे खास लेक को, तो ये उसी का सीक्वेंस है, पार्ट टू कह लो। तो हम आ चुके हैं आंखों को मनमोहक कर देने वाला नजारा की तरफ, खास लेक। मूड फ्रेश कर देने वाली ये हवाएं और मन को शांत कर देने वाला ये अद्भुत नज़ारा। सच में जितना खूबसूरत वो खास पठार था, उतना ही खूबसूरत ये खास लेग। और यहाँ बैठे बैठे मेरे दिल और दिमाग में एक ख्याल आ रहा था, दिमाग कह रहा था बस यूं ही बैठे रहो, और दिल कह रहा था पानी में एक डुबकी मार लो। फिर क्या, मैंने अपनी दिल की सुनी और मार दी डुबकी पानी में, और पानी बहुत ठंडा है गाइस। तो गाइस पानी बहुत ही ठंडा है और बहुत ही गहरा है। एक हाथ से तैरने में बहुत मुश्किल हो रही है, मेरी पड़ गई। हमने कर दिखाया है।